अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेजिटेबल राइस सब्जियों का पुलाव, मज़ेदार सा अपने स्टाइल से। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मेरे लिए हैं 1.5 किलो चावल, यह मैंने भिगो दिए थे और अब मैंने खुशक करके इनका पानी रखा हुआ है। 1.5 किलो चावल लिए हैं, 6 प्याली यानी कि 1 किलो आलू लिए हैं मैंने, 1 किलो मटर लिया उसके दाने निकाल लिए हैं, 1 बड़ी बंद गोभी का फूल लिया है, 1/2 किलो गाजर लिया है। गाजर आप किलो भी ले सकते हैं, मैंने 1/2 किलो इसलिए लिया कि मुझे ज़्यादा मिठास अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने 1/2 किलो लिया है। मसालों में मैंने लिए है 6 चम्मच नमक के, 1 पाव का 1 चम्मच मेरे हिसाब होता है, आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और मैंने 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी लिया है, 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया है। ये मैंने गरम मसालों में से सफ़ेद ज़ीरा लिया और मैं कोई गरम मसाला ऐड नहीं कर रही इसमें। 3 चाय के चम्मच मैंने लिए लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मैंने लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैं इसलिए ले रही हूँ, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह के चावल में। ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने लिए 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई और ये हैं चंद हरी मिर्चें। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। जी मैंने एक बड़ी डेगची में ना मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज। आप डेगची थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा, मैंने भी बड़ी ली है क्योंकि ना सब्जियां ज़्यादा होती हैं तो चावल इस तरह टूटेंगे नहीं। बेशक मतलब आपके मटेरियल से बड़ी हो जाए लेकिन छोटी ना हो, वरना चावल नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते खिले खिले। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। आँच थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ मैं। जी प्याज की गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। ये लहसुन थोड़ा सा भुनाई होगी इसकी, अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट डाल देंगे। जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो सारे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बस 5 मिनट के लिए इसमें उबाल आ जाए, फिर हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया, ये देखें। अब इसमें हम डाल रही हैं आलू। मटर और ये हम डाल रहे हैं इसमें गाजर। अभी हम इसमें ना बंद गोभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो जल्दी से ना गल जाती है, तो हम उसको थोड़ा सा ना सब्ज़ी गलाने के बाद ऐड करेंगे दम से, थोड़ा सा पहले। इसमें हम पानी इतना डाल दें ताकि ये सब कुछ गल जाए। और
इसको गलने के लिए रख देते हैं और मिलते हैं आपसे इसके गलने के बाद। जी अब इससे 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, 15 से 20 मिनट इसलिए पकाया है कि सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह गल जाएं। ये देखें ये ऑलमोस्ट हो गई हैं, कुछ चावलों में भी हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बंद गोभी, ये जो मैंने आपको कहा था उस वक्त मैंने डाली नहीं, ये डाल रही हूँ। मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है, ये सारा फ्लेवर आपको मिलेगा जब चावलों में हरा भरा रेड, मज़ा आ जाएगा जी। अब इसमें मैं दोबारा डाल रही हूँ सारे चावल, अच्छा जी ये मैंने इसमें सारे चावल डाल दिए। सबको मिक्स कर लूँ, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी में ज़रा नाप तोल के नहीं डालती अपने हिसाब से, बस अंदाजे से डालती हूँ क्योंकि अभी इसको एक अच्छा सा उबाल आएगा फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो हम ढक देते हैं, सात आठ मिनट बाद हम इसको फिर चेक करते हैं। हाँ जी अब ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसको हम एक बार खोल के चम्मच चलाएंगे, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। चला दिया, अब हम इसे एक बार रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ। ये मैंने इसको अब दम पे लगाने लगी हूँ। अब जब दम पे लगाने लगी हूँ ना, अब यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर वो हरी मिर्ची जो मैंने आपको बताई थी ना, वो और इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर, मैंने इसमें लिया था थोड़ा सा, ये मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया। अब इसको वापस क्लोज़ कर रहे हैं, क्लोज़ करके इसको मैं रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ जी। मैं अब दम खोलने लगी हूँ, 10 मिनट का हमने इसको दम दिया था। वाह 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 ज़बरदस्त, ये जी ज़बरदस्त से चावल रेडी हो गए हैं। जी ये हो गए रेडी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी ये हो गए हैं जी डिश आउट, कैसे लगे ये मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल राइस, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट्स में, बताइए कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मज़ेदार कोई चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।